ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भरी सभा में फ्लाइंग किस करते हैं, वहां महिलाएं भी होंगी, बेटियां भी होंगी। देश के प्रधानमंत्री भरी सभा में इस तरह से करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मंचों से बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये मेरा वक्तव्य नहीं है। देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सचिव मैच के दौरान इस तरह से करता है, पूरा विश्व देखता है। इस पे श्रीमती स्मृति ईरानी सती सावित्री का क्या वक्तव्य है कुछ बताएंगी? अरे जो आदमी तुम्हारे तरफ देखना भी गवारा नहीं करता है, वो तुमको फ्लाइंग किस करेगा? कौन है जो गंदे नाले में जो कूदने को तैयार होगा? पंडित राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते, तुमको तनिको भी लज्जा शर्म नहीं आई? ये क्या ऐश्वर्या राय है? ये क्या कैटरीना कैफ है? ये क्या विश्व सुंदरी है? किसने कह दिया कि पंडित राहुल गांधी ने किया, वो तो साफ हो गया। उसमें अरे कहीं नहीं दिखाई गया, ये इस साइड में बैठी है। अब वो जो है उनको धन्यवाद दे रहे हैं लोकसभा स्पीकर को, तो इधर कहां प्लाइंग किस चला गया? हम सामने सामने इनको कह रहे हैं और चले गए, इतना तो हुआ। तो उनको प्लाइंग किस का शिवराज सिंह चौहान के तरफ से इस तरह से किए हैं क्या? स्मृति ईरानी को इस उम्र में कौन पूछने वाला है यार? उनका पति पूछेगा कि राहुल गांधी पूछेंगे? बाल विकास मंत्री जो सिर्फ अपने परिवार का विकास चाहती हैं, बाकी हिंदुस्तान के किसी बाल विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं। महिला हैं, उनको इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं कि अब इस देश के युवा और बैचलर नेता गांधी खानदान के उनको किस कर रहे हैं, मानो बताइए। इन्होंने आंखों का शर्म बेच करके भी तो संसद में फ्लाइंग किस करना ठीक है? सुन लीजिए, इनके आंख का जो शर्म का पानी है ये मर गया। आप बता दीजिए कि इस साइड में थी, आज इनको किस दिखाई दे रहा है? चूंकि किसे पसंद की है, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, उड़ता हुआ चुम्मा, आपको हवाई चुम्बन, आप सुन लीजिए, हवाई चुम्बन, हवाई चुम्बन, उड़ता हुआ चुम्मा। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आप सभी लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की रैली में, वहां महिलाएं भी थी, बच्चियां भी थे, बच्चे भी थे, इस तरह से कर रहा। देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू यहां पे क्या बोलते हैं, राजस्थान की रैली थी या मध्य प्रदेश की, इस तरह से कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? अब वही बताएंगे, अभद्र है। अब ये राजा बाबू बताएंगे क्योंकि वहां अभद्रता की परिभाषा क्या होती है। वो तो देश के माननीय प्रधानमंत्री टीवी चैनलों पर बोलते हुए दिखाई दिए कि लड़की पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, जवान फिसल गई। अच्छा, इनके एक गृह मंत्री है भारत सरकार के, उनके लड़के पूरी दुनिया देखी एक मैच के दौरान इस तरह से कर रहे थे, इसको क्या कहते हैं? ये अभद्रता की श्रेणी में ठोक दो। कौन है वो? ये जैसा है पूरा पूरी दुनिया देखी, नाम बड़ा मुश्किल से निकला ये। अरे भाई, अधीर रंजन चौधरी साहब ने नीरव मोदी की तुलना राजा बाबू से कर दी, पार्लियामेंट से सस्पेंड। संजय सिंह तेज आवाज बोलिए, राज्यसभा से निलंबित। ये राघव चड्ढा साहब राज्यसभा से निलंबित, टीएमसी के एक सांसद राज्यसभा से निलंबित, लोकसभा के एक सांसद वो पैकल वोकल पूरा हथकड़ी बांध करके पार्लियामेंट के बाहर घूम रहे थे, धरना दे रहे थे, मतलब जेल में जैसे बंद होता है वो घूम रहे हैं वो बाहर। पंडित राहुल गांधी को इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात लोअर कोर्ट, गुजरात सेशन कोर्ट से सेटिंग करके अपना भेज दिया था पार्लियामेंट से, इनको बाहर किया था। वो तो धन्यवाद मनाइए सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस न्यायप्रिय मिला है, ईमानदार मिला है, गवई साहब को, नरसिम्हा साहब को और मिश्रा जी को। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष के जो नेता उनमें मर्यादा नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है और देश की तमाम महिलाएं इन लोगों के खिलाफ क्या क्या वक्तव्य दे रही हैं, ईश्वर मालिक है। हमारे एक बिहार की विधायिका कह रही है कि बताइए कि राहुल गांधी को किससे करना है, तो कोई नौयौना या लड़की को करेंगे, ये बुढ़िया को कौन करेगा? भाई साहब मत बोलिए, मर्यादा में आप तो हीरोइन के मजाक कर रहे हैं। वो मंत्री है थी। आप एक मंत्री की मर्यादा रखिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बिहार की विधायिका महोदय ने कहा है, उनकी बात को मैं रख रहा हूँ। वो तो हीरोइन थी तो आप उनको मजाक कर रहे हैं? अरे भैया, हीरोइन हेमा मालिनी नहीं है, उन्होंने तो
मीडिया के सामने कहा कि हमने कहीं उड़ता हुआ चुमा नहीं दिखाई दिया। हेमा मालिनी को दिखाई नहीं दिया। फिर वही सिग्नेचर भी तो कर रही हैं। अबे सिग्नेचर जबरदस्ती टिकट लेना है नहीं मथुरा से। हाँ, और क्या कारण है कि मीडिया और सोशल मीडिया और तमाम जगह चर्चाएं चल रही है, लोगों में चर्चाएं हैं कि माननीय गंगा पुत्र जिनको गंगा मैया ने बुलाया था बनारस में, सुना कि बनारस से ही बनारस को अलविदा कह करके गुजरात वापस जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। गोपनीय सूत्र से मिला है। आप तो खुद बनारस से हैं क्या, उनको वापस करना चाहते हैं कि उनको फिर तीसरे बार मौका देना चाहते हैं? देखिए, गंगा मैया जिसे बुला लेती हैं उसे जाने नहीं देती हैं। गंगा मैया सनातन धर्म में उसी को अपने पास बुलाती हैं जिनका अंतिम संस्कार होना है। तो क्या भाजपा सरकार और माननीय राजा बाबू की सरकार का अंतिम संस्कार होने जा रहा चाचा इधर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम मणिपुर पर शुरू से चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस पर राजनीति करता है, आप भी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा ही बताइए, विपक्ष काहे 80 दिन हो गए, अब 100 दिन पूरे हो गए, मणिपुर तो गए नहीं, सेना के हैंडओवर नहीं किया, वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लिया होता तो मणिपुर का मौ भी नहीं बोलते, 36 सेकंड उसमें बोले थे यहाँ पे दिल आहत हो गया था, ज्यादा बोला नहीं गया। अच्छा मतलब जो है ठहाके लगा रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, बकैती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं देशवासियों के सामने, आ उस पे चर्चा नहीं करेंगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाया गया था आप बताइए, चीर हरण पे चर्चा करने के लिए? अरे उनको पूरे देश की चिंता है। अच्छा किसकी चिंता है भैया, 140 करोड़ लोगों की, पहलवान बेटियां यही घिसरा के मारी गई, स्टार खिलाड़ी, उस पे तो माननीय प्रधानमंत्री जी चाचा मोदी जी कहते हैं विरोधी तो हमारे कब्र खोदने की बात करते हैं, हम तो 28 में भी 2024 में भी आएंगे। कहां से ईवीएम सेट करके या चुनाव आयोग को खरीद करके आप बता दीजिए कहां से आएंगे? देश का नौजवान ना खुश, देश का बेरोजगार युवक ना खुश, देश का किसान ना खुश, देश की महिलाएं थूक रही हैं इसी सरकार पे, और देश का किसान ना खुश, इनको टोवा कौन देगा भैया? हाँ, वो तो हम आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद कच्चा आपके ऊपर भी रह जाएगा, मेरे ऊपर शरीर पे रह जाएगा, मनो पिछवाड़ा ना दिखाई दे, इतना बाकी रह जाएगा। अरे हर गली चौराहे पे मोदी मोदी हो रही है। कौन सा काल चल रहा है? अमृत काल। अच्छा अमृत काल चल रहा है, ये भाई देश में चर्चा हो रही है कि तो मूत्र काल चल रहा है। अरे भाई भाजपा के एक विधायक के जनप्रतिनिधि एक गरीब हिंदू पे घर घर मूत्र रहते हैं। अच्छा उसके बाद इनके कोई इन्हीं के संगठन का कोई मिश्रा था कानपुर या कहाँ, वो भी एक महिला के ऊपर मूत दिया, तमाम तरह की डेली तो आ रही है घटनाएं, तो ये क्यों मूत्र हैं, मुतार है लोग क्या भाई? इन लोगों का जो इसी तरीके से हो जाएगा देश की जनता। यूपी जाएंगे ना यूपी जाएंगे तो मनो क्या हो जाएगा, फांसी लटक जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आरएसएस वाले और भाजपा कातिलों में है। जेल गए फिर जाएंगे, जेल गए, जेल मर्द जाता है कि ये वाले जाते हैं, जेल मर्द जाता है। भगत सिंह जैसा बने गए क्या आप? भगत सिंह के फिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाला, वो भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, हम लोग देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। सब ब्राह्मण मोदी के साथ है, सब ब्राह्मण मोदी के साथ है। देखिए ब्राह्मण वही हैं जो नकली ब्राह्मण है वो उनके साथ है, सनातनी है। मीडिया जिता रही है, मीडिया गोदी मीडिया की क्या बात है, तो खरीदी हुई मीडिया है, ये खरीदी हुई। आप भी हड्डी फेंको, आपके वहाँ जाएगी हड्डी चूसने के लिए। बोल रहे राजस्थान पता चल जाएगा कांग्रेस कितने पानी में। हाँ तो जाते क्यों नहीं, गो बैक का नारा लग रहा है ना, जा क्यों नहीं रहे? ये पांचों स्टेट आपको बताऊं इनके पतन का कारण कौन कौन सा स्टेट बनेगा, आप बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य क्या बोलते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 150 सीटें कम हो जाएंगे कर्नाटक में तो आएगी नहीं आएगी भाई। सुनिए चाचा, चिराग पासवान का कहना है बिहार से 40 की 40 सीट बीजेपी की आएंगी, और आप कह रहे हैं कि बिहार हार रहे हैं। चिराग पासवान को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उनके पिता के मरते ही उनको धक्के दे करके मूर्ति उखाड़ करके रामविलास पासवान को जनपद के उस आवास से निकाल दिया गया। माझी को जान रहे हैं? अरे भाई माझी की कोई औकात नहीं है, कुशवाहा की कोई औकात नहीं है, चिराग पासवान की दुकानदारी बंद होने, जमुई लोकसभा छोड़ करके हाजीपुर जा रहे हैं। बिहार में 2 से 3 सीट जीत जाए वही है, सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए। आप किसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आप ब्राह्मण हैं, आपकी आशीर्वाद बहुत मायने रखता है, किसे आशीर्वाद दे रहे हैं 24 में? देखिए पंडित
राहुल गांधी वाला इंडिया गठबंधन जीतेगा और एनडीए गठबंधन जो है हारेगा। जो रावणी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, इस सब सरकार में है जो अडानी अंबानी के हाथों देश को ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके बेचना चाहते हैं, उनकी पार्टी हारेगी। राजा बाबू आशीर्वाद की बात हो रहा है, आशीर्वाद किसे दे रहे हैं? पंडित राहुल गांधी को।